गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक इन आर ऑनलाइन क्लासेस क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर द फूड्स द जर्नी ऑफ फूड द जर्नी ऑफ फूड हमारा चैप्टर जो है वो है द जर्नी ऑफ फूड एंड देखें पेप फ्रेड इज अबाउट टू ईट अ अस्कुट कैन यू ट्रेस द जर्नी ऑफ द बिस्किट थ्रू फ्रीट्स बॉडी इन फिगर वन हिंट देयर इज ऑनली वन वे आउट ठीक है ये जो है आपको हिंट दे रखा है यहाँ पर कि फ्रेट जो है क्या ईट करना चाह रहा है बिस्किट ईट कर रहा है तो अब अब वो बिस्किट का जर्नी हमें देखना है कि वो बिस्किट कहाँ से कहाँ जा रहा है मतलब हमें एक तरह से एक सिस्टम के बारे में पढ़ना है सिस्टम मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम का मतलब क्या हुआ यहाँ पर हम यहाँ बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ठीक है सो so, हमने सर्च किया तो ये देख सकते हैं आप मैंने सर्च किया तो यहाँ से इस तरह से ये जा रहा है और फिर यहाँ से इस तरह से ये ठीक है तो ये तो क्या हुआ ये हुआ फूड का यानी बिस्किट का जर्नी आफ्टर दिस फिर यहाँ पर क्या है यहाँ है एक क्वेश्चन है जो कि इससे रिलेटेड इससे रिलेटेड है किससे इस 6.1 एक्टिविटी से अब देखिए इस क्वेश्चन में मैंने इसको राइट भी कर रखा है विच ऑर्गन सिस्टम डज द बिस्किट गो through? कौन से ऑर्गन सिस्टम के थ्रू जो बिस्किट है उसने अपनी जर्नी कंप्लीट की है डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि मैंने आपको बताया था वॉट डू यू थिंक हैपन्स टू द बिस्किट इन फ्रेट्स बॉडी आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा द बिस्किट गेट्स डाइजेस्टेड इन द फ्रेट्स बॉडी मतलब जब उसने बिस्किट ईट किया तो वो बिस्किट क्या हुआ डाइजेस्ट हुआ किसकी बॉडी में फ्रेट्स की बॉडी में ठीक है तो इस तरह से हमने क्या किया फ्रीट्स की बॉडी में बिस्किट की जर्नी देखी और उस जर्नी को हमने एक सिस्टम कहा और वो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है आफ्टर दिस द ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ मशीन एज वी ऑल नो कि जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह इट इज़ मेडअप ऑफ सैवरल स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम दीज ऑर्गन सिस्टम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है जिसमें क्या होता है सैवरल स्मॉलर यूनिट्स से मिलकर बनी होती है जिसे हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र अब देखिए ये ऑर्गन सिस्टम जो है हर ऑर्गन organ, सारे ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं और फिर वो सिस्टम अपना स्पेसिफिक वर्क करते हैं और हर ऑर्गन का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी में देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं विद अस यहाँ आपको क्या करना है टाइम टू रिकॉल यूज द गिवन क्ल्यूज टू आइडेंटिफाई द ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी

विंड पाइप है और लंग्स है अब वो कह रहा है कि मैं आपके काय में हेल्प करता हूँ ब्रीदिंग में हेल्प करता हूँ वो आई एम तो कौन किसके बारे में बात हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन, मतलब सांस लेना ठीक है आई कैरी ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द हार्ट इज माई मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन तो यहाँ किसकी बात हो रही है यहाँ बात हो रही है किसकी सर्क्यूलेटरी सिस्टम की है ना भाई वो कह रहा है कि मैं ब्लड को कैरी करके रखता हूँ बॉडी में और हार्ट जो है मेरे आ, सिस्टम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है मैं हूँ सर्क्यूलेटरी सिस्टम सर्क्यूलेटरी सिस्टम का मतलब होता है रक्त परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन हमारा जो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो किस सिस्टम के थ्रू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है ऐसे रेस्पिरेटरी हम सांस लेते हैं इनहेलेशन एंड एक्सलेशन वाली जो प्रोसेस होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू होती है तो देखें आप थर्ड आई एम मैडअप ऑफ बॉन्स आई गिव शैप टू योर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स आई एम द स्केलेटल सिस्टम मैं जो हूँ बॉन्स का बना होता हूँ मैं बॉडी को शैप देता हूँ और इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता हूँ तो मैं कौन हूँ मैं स्केलेटल सिस्टम हूँ स्केलेटल सिस्टम का क्या वर्क होता है कि वह बॉडी को शैप देता है दूसरी बात बॉडी को शेप देता है बॉन्स का बना होता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है वो कहलाता है स्केलेटल सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र फोर्थ है आई एम मैनली अप ऑफ मसल्स विदाउट मी यू वुड नॉट बी एबल टू मूव एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी आई एम द मस्क्यूलर सिस्टम मतलब मैं मसल्स मसल्स मीन्स होता है मांसपेशियां मैं किससे मिलकर बनाऊँ मैं मसल्स से मिलकर बना हूँ मेरे बिना आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर सकते हो मैं कौन हूँ मस्क्यूलर सिस्टम मतलब मास पेशियों से मिलकर बना होता है आफ्टर दिस इज आई हेल्प यू डाइजेस्ट द फूड यू ईट आई एम द डाइजेस्टिव सिस्टम मैं जो हूँ आपके फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता हूँ तो मैं कौन हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम हूँ तो हमने किसके बारे में पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम स्केलेटल सिस्टम मस्कुलर सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम तो इसके बारे में हमने थोड़ा-थोड़ा पढ़ा था कि हमें थोड़ी सी नॉलेज हो आफ्टर दिस ईच ऑफ दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू और मोर ऑर्गन्स देखिए हर सिस्टम दो या दो से ज्यादा ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है दीज ऑर्गन्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देर फंक्शंस और देखिए जिस तरह से हमने कहा है कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है तो देखिए मशीन को भी रिपेयर करवाया जाता है मशीन को भी चलाने के लिए उसमें ऑयल्स की ज़रूरत होती है तो इस तरह से जिस तरह से मशीन को जरूरत होती है मशीन अगर रन करती है तो थ्रू द सॉरी मशीन अगर रन कर रही है तो किसके थ्रू चल रही है मशीन अगर चल रही है तो उसको करंट चाहिए होता है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है तो इस तरह से मशीन भी उसकी भी कोई बेसिक नीड है ना इसी तरह से जो हमारी बॉडी है उसमें भी हमारे ऑर्गन्स की बेसिक नीड होती है सो देखें वेट डू द ऑर्गन्स गेट एनर्जी फ्रॉम अब देखिए ऑर्गन्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है द फूड दैट वी ईट प्रोवाइड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स फेट्स वाइटाम मिनरल्स दीज न्यूट्रीन्स गिव एनर्जी टू द ऑर्गन्स इन आर बॉडी एंड हेल्थ एम फंक्शन प्रॉपरली देखिए ये जो फ़ूड है हमें हम फूड ईड करते हैं और ये फूड हमें क्या प्रोवाइड करवाता है ये फूड हमें न्यूट्रींस प्रोवाइड करवाते हैं और न्यूट्रींस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो हमें मिलती हैं हमारी बॉडी को मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीनस फेट्स एंड वाइटाम्स एंड मिनरल्स These nutrients give energy to the organ in our body and help them function properly. और यही ही nutrients जो हैं हमारी body को क्या देते हैं Energy देते हैं specific उनके functions को करने के लिए अब देखिये इन nutrients को हम कैसे ले सकते हैं ये nutrients हम कैसे ले सकते हैं किस food से ले सकते हैं फ्रूट से ले सकते हैं है? है? तो देखें the their द of विद food ऑफ What टाइप done फॉर यू तो देखिये इसमें जो है मैंने मेच कर रखा है न्यूट्रिएंट्स को उसके यूजेस और फूड टाइप के अकॉर्डिंग मेच करना है देखिए हमने यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स को मेच कर रखा है किससे एनर्जी गिविंग फूड कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है और वो किस में मिलता है सीरियल्स में मिलता है इसी तरह प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड है और किस में मिलता है प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड और ये मिलता है मीट एंड में, किस में मिलता है का, कार्बोहाइड्रेट मिलता है कार्बोहाइड्रेट है एनर्जी गिविंग फूड और ये मिलता है में बॉडी बिल्डिंग फूड है जो कि मिलता है मीट एंड बीन्स में इसी तरह से जो फेट है फेट मिलता है हमें फेट का क्या वर्क होता है देखिए फेट का यूजेस होता है कि वो हमारे लेयर्स हमारे जो बॉडी की लेयर्स है उसमें स्टोर होता है और कैसे मिलता है ऑयल एंड घी से मिलता है इसी तरह से वाइटामस की बात करें तो वाइटामस का वर्क होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़ यानी जो वाइटामिन है वो वाइटामिन एंड मिनरल्स का वर्क होता है कि वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है और हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है हमें कैसे मिलता है हमें फ्रूट्स से मिलता है तो मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी गिविंग फूड है प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग है हमारी बॉडी को बिल्ड बिल्डिंग इसको हम बॉडी बिल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी बॉडी को रिपेयर भी करता है फेट्स जो है क्लियर की तरह स्टोर रहता है विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज हैं उनको अगेंस्ट फाइट करता है और क्या करते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को भी इस्ट्रॉन्ग करता है तो ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है और इम्पॉर्टेंट भी है ये बेसिक था बिल्कुल इसलिए मैंने आपको ईबुक बुक एक्टिविटीज़ वीडियोज़ में ही कर दी आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास थैंक यू